आत्महत्या करता है उसको नहीं दिखाते ये। 300 किसानों ने आत्महत्या करके और देश में इसमें शहीदी कर दी, उसको नहीं। किसान ने अभी तो फसल उजाड़ना शुरू किया था, ये एक टेलर था, अन्न महंगा नहीं हुआ था। और पूंजीपति के पास में जो भी चीज थी वो अगर बीड़ी भी थी तो बीड़ी का मंडल भी 50 से 60 रुपए बिका था। मंत्री कह रहे हैं कि ऐसे भीड़ इकट्ठी करने से कोई भी कानून वापस नहीं होता है। तो भीड़ इकट्ठी करने से क्या होता है ये तो पूछ लो उनसे। भीड़ इकट्ठी करने से सरकार बदल दी जाती है, कानून तो बहुत बहुत छोटी चीज है। अरे कानून जो बनाओगे वो भीड़ के कारण ही तो बदले जाते हैं। जब जब आज तक देश में संशोधन हुए हैं, आंदोलन हुए हैं और आंदोलन के तहत संशोधन किए गए हैं, कानून चेंज किए गए हैं, जो संविधान में संशोधन हुए हैं वो कानून ही तो बदल कर हुए हैं और उनके लिए आंदोलन करे गए। आंदोलन के तैयार है ना सरकार, आप लोग नहीं मान रहे ना। अरे ये कानून बनाया हुआ, ये संविधान में संशोधन नहीं है, आप समझो। अगर संविधान में संशोधन किया जाएगा तो एक कानून बनाकर किया जाएगा। ये जो कानून लेकर के आए हैं ये कानून किसके लिए लेकर आए, उसे बताओ ना, क्लियर करो ना उसे। आपके लिए लाए, किसानों के लिए लाए। हमारे लिए कैसे लेकर आए हैं? हम बढ़ाएंगे क्या यहाँ पर बड़े बड़े जो वो भंडारण की क्षमता बढ़ाएंगे उसे हम बढ़ाएंगे? तो कह रहे हैं किसानों को भी छूट है, वो भी कर सकते हैं। कहाँ पे कर रहे हैं हम पे? तो हमारा यही ना रख रहा, फसल तैयार होने से पहले किसान फसल को बेचने की तैयारी कर देता है, उसकी ये हालात है। कल हम राजस्थान में थे, वहां पर बाजरा 800 से 1100 के रेट में बिक रहा है और MSP 1700 है। तो क्या इस तरीका से काम चल जाएगा? हम ये कह रहे हैं कि MSP को कानूनी जामा पहनाया जाए, उससे कम दर पर कहीं खरीदारी नहीं हो। देश में जो मीडिया के द्वारा ये घुमाया जा रहा है कि कृषि मंत्री कह रहे हैं कि MSP रहेगी, इसी बात की तो लड़ाई है कि जो पहले MSP थी ना उस पर खरीदारी होती थी, जो आगे रहेगी ना उस पर खरीदारी होगी। हम ये कह रहे हैं कि इसको कानूनी अमली जामा पहनाया जाए, इससे कम दर पर खरीदारी ना हो। कानून लेकर के आते हो और उसके लिए नहीं लेकर के आते जिसको ज़रूरत है, उसके लिए लेकर के आते हो जो भंडारण करना चाहता है, इस देश के पूरे किसान की फसल को तिजोरी में बंद करना चाहता है और उस पर रेट भूख के हिसाब से लगाना चाहता है। ये देश की सरकार ने बना लिया है प्लान, उसके खिलाफ ये आंदोलन है। सर, आपके नेता ने जो ट्रैक्टर मार्च का दोबारा से अनाउंसमेंट किया है, आपने देखा इससे पहले 26 जनवरी का जो ट्रैक्टर परेड आपने की, उसका क्या परिणाम रहा और अब फिर से जो है ट्रैक्टर मार्च का ऐलान किया है? नहीं, क्या परिणाम रहा? देखा नहीं क्या आंदोलन, क्या था आंदोलन? मुकदमे दर्ज हो गए हैं, मुकदमे दर्ज होते ही आंदोलन के दौरान मुकदमे दर्ज होते हैं, इस बात में कोई दोराय नहीं। आंदोलन में फूल नहीं बरसते, आंदोलन में मुकदमे ही दर्ज होते हैं। और आदरणीय टिकैत साहब ने एक बात कही है कि 40 लाख ट्रैक्टर इस आंदोलन से जोड़े जाएंगे, चाहे भले ही वो पंजाब में चले, चाहे भले ही वो मध्य प्रदेश में चले, चाहे कर्नाटक में चले। उनका संसद का घेराव करेंगे और संसद को जब जरूरत पड़ेगी संसद का भी घेराव करेंगे और उन्हें खड़े रखेंगे क्या? ट्रैक्टर खड़े रहने के लिए है, ट्रैक्टर चलेगा। जब खेती को ये कब्जा कर लेंगे तो कहाँ चलेगा? रोड भी तो चलेगा, संसद तक चलेगा। भाई जहाँ वो ये कहेंगे कि हम इसे खेत में नहीं चलने देंगे तो हम इसे रोड पर चलाएंगे, क्या करें इसे? वो तो चला के देख लेना आपने कई बार, उसमें तो सफल हुए नहीं है। सफल कैसे ना हुआ, कैसे मान होगा आप सफल? आप सफल बताओ उसे सफल ऐसे होते हैं। हम आंदोलन को तेज करते हैं तो आप कहते हो कि तेज कर दिया जी ज्यादा आंदोलन, कम करते हैं तो जी आंदोलन तो खत्म हो गया। ये तो मुट्ठी भर है, ज्यादा भीड़ आती है जी, भीड़ बहुत ज्यादा आ गई, ऐसे थोड़ी होता है कि आपने बंधक बना लिया। वो तरीका क्या है उसे बता दो ना, उस तरीका से कर लेंगे हम। आप इसे दूसरी तरफ घुमा देते हो बार बार। आंदोलन आंदोलन के तरीका से चलता है। आज जागरूकता चलाई जा रही है पूरे देश में, जितने भी हमारे 40 नेता हैं, आदरणीय राकेश टिकैत जी यहाँ पर आप लगातार देख रहे हो कि यहाँ पर कम समय दे पा रहे हैं और पूरे देश में भ्रमण पर लगे हुए हैं। ये जन आंदोलन बन चुका, ये किसान आंदोलन नहीं है, ये आपका भी आंदोलन है। तो जो आप रोटी खाते हैं ये उसका आंदोलन है। महीने से ये आंदोलन चल रहा, उससे जागरूक नहीं हुए थे क्या किसान? नहीं हो रहे थे, लेकिन अब करेंगे क्या हम? और प्रक्रिया यही तो करेंगे ना। वो कहते हैं जी 3 प्रदेशों का आंदोलन है, पंजाब का, हरियाणा का, राजस्थान का भी नहीं बताते थे, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बताते थे। कल राजस्थान की पंचायत में 1 लाख से ऊपर की भीड़ थी, कहाँ का था आंदोलन? महाराष्ट्र में कोरोना चल रहा था, अन्य तो वहां की भी देख लेते आप, 1 लाख से ज्यादा की भीड़ वहां एकत्र होती, कहाँ का है आंदोलन? हम कहते हैं हम पश्चिम बंगाल जाएंगे, बोले जी ये तो चुनाव का तरीका हो गया। भाई अगर हम नहीं जाएं तो कहते हैं कि ये कुछ प्रदेशों में, और जाएं तो ये तो अजीब राजनीतिक होगी। अब तो कहा जा रहा है जाटों का आंदोलन है, प्रदेशों की बात तो छोड़ो। मैं जाट हूँ,
ये क्या है तरीका इनका, कभी कहते हैं पंजाबियों का है, कभी कहते हैं ये हरियाणियों का है, कभी कहते हैं ये जाटों का है। ये गलत बात है, ये किसी बिरादर का नहीं है, ये देश के किसान का मजदूर का आंदोलन है, और ये उसका आंदोलन है जो रोटी खाएगा, उसका आंदोलन है ये। खटाना जी, जो पंचायत कर रहे हैं आप, वहाँ भाजपा के नुमाइंदे भी जाते हैं, वहाँ टकराव की स्थिति हो जाती है। नहीं, कहाँ हुई हमारी, जैसे कि मुजफ्फरनगर में शामली में हुई। नहीं, वो तो मुजफ्फरनगर में भाजपा के नेता जा रहे थे, वहाँ लोगों ने ये कहा कि आपको अगर हमारे बीच में आना है तो इस्तीफा दे करके आइए। अच्छा। आप हमारे बीच में आते हो तो इस्तीफा दे कर आए, अन्यथा आप अपनी चमकीली कोठियों में बैठकर सांसदी करें। आप पर ये कहने की स्थिति नहीं है सरकार से कि आप कर क्या रहे हो। आज आंदोलन उस चीज का हो रहा है कि जिसको आने वाली पीढ़ियां खत्म हो जाएंगी। ट्रेन भी अडानी की हो गई, एयरपोर्ट भी अडानी का हो गया, अहमदाबाद गुजरात जो भी जितने भी एयरपोर्ट है सब अडानी और अंबानी के हो गए। कल सरदार पटेल का, इन्होंने जो पटेल जी गाते थे, सरदार पटेल का जो स्टेडियम था उसका नाम बदल करके नरेंद्र मोदी कर दिया। क्या करना चाहते हैं, देश को क्या दिखाना चाहते हैं? अब नाम में कमी आ गई, कल तक कहते थे मायावती लिखती है जी अपना नाम, अब नरेंद्र मोदी जी लिखना लगे अपना नाम। अरे बाद में लिख लेते, आपने अच्छे कर्म किए होंगे तो आपके नाम तो और लिखेंगे, अगर आप अच्छे काम नहीं करोगे तो कौन आपके नाम लिखवाएगा? कभी नहीं लिखवाया होगा किसी ने अपने जीते जी के मैं अपना नाम लिखवा कर जाऊं। वो लोग लिखवाएंगे जिन्हें ये खतरा है कि मेरे जाने के बाद मेरा कोई नाम नहीं लेगा। लेकिन सर टिकैत साहब ने एक बयान दिया कि अगर फसल नष्ट करनी पड़े तो हम फसल नष्ट करेंगे, कई किसानों ने फसलें नष्ट करनी भी शुरू कर दी। टिकैत साहब ने कितना सही है, टिकैत साहब ने ये कहा था कि जो लोग ये कह रहे थे कि अब फसल आ गई है किसान आंदोलन कमजोर हो जाएगा, मीडिया के माध्यम से गलत खबर चलाई गई कि यहाँ पर जो टेंट है वो खाली हो गए हैं, लोग फसल काटने चले गए हैं। टिकैत साहब ने ये कहा था क्योंकि वहाँ पर जो किसान आए उन्होंने ये कहा कि हमें एक फसल भी अगर ख़त्म करनी पड़ी तो हम वो ख़त्म कर देंगे, लेकिन हम किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उसको ख़त्म नहीं होने देंगे, उनका कहना ये था। अरे किसान आत्महत्या करता है उसको नहीं दिखाते ये, 300 किसानों ने आत्महत्या कर करके और देश में इसमें शहीदी कर दी उसको नहीं दिखा रहे, फसल तो दिखा रहे हैं कि फसल उजड़ गई, हमने पूरा जीवन खत्म कर दिया, उस पर चर्चा नहीं हुई आज तक भी बैठ करके, टीवी डिबेट नहीं हुई है कि भाई इन्होंने इतना कर दिया, देश के प्रधानमंत्री दो शब्द नहीं बोलते उनके लिए, फसल के लिए बोलना शुरू कर दिया। जहां हम खत्म हो गए वहां फसल तो पहले ही खत्म हो गई, रह क्या गया हमारे पास बताइए आप। ये सब तैयारी कर ली गई है, हम किसी भी कीमत पर इस आंदोलन को नहीं छोड़ेंगे, हम फसल भी काटेंगे, हमने तरीका भी बना लिया है कि किस तरीका से कहां से कैसे लाना होगा। ऐसे तो किसानों को नुकसान हो रहा है, किसान सही भाई राजस्थान में कटाई शुरू हो गई है, वो सरसों और गेहूं की कटाई सबसे पहले वहां फाइनल हो जाएगी। राजस्थान के ने कह दिया कि आंदोलन को संभालेंगे हम और आप कटाई कर लेना, फिर आज वो कटाई कर रहे हैं हम संभाल रहे हैं यहाँ पे, कल से जब उनका वो कटाई हो जाएगी तो वो यहाँ पे आ जाएंगे, हम अपनी कटाई करेंगे गेहूं की। लेकिन अगर देश के किसान ने अभी तो फसल उजाड़ना शुरू किया था, ये एक टेलर था, अगर इन्होंने नहीं उगाई तो ये क्या खाएंगे जो दिल्ली में बैठे हैं, क्या खाएंगे ये? इनको खाने के लिए ये भाषणबाजी इनके खाने की पूर्ति नहीं करेगी। टिकैत साहब ने क्या क्या कहा वो सब नहीं दिखाया आपने। टिकैत साहब ने कहा था कि देश में जो ये पुलिस वाले जवान जो ये ड्यूटी करते हैं 24-24 घंटे की, इनको जो क्वार्टर दिए जाते हैं उसमें वो अपने परिवार को नहीं लेके जा सकते। देश में जो सांसद और विधायक हैं वो एक बार बन जाते हैं आजीवन पेंशन, क्यों उनके लिए आजीवन पेंशन? आजीवन पेंशन हो तो उसकी हो कि जिसने पढ़ाई की है, अनपढ़ों को आजीवन पेंशन और जो पढ़ लिख करके आए हैं उनको पेंशन नहीं, ये कहाँ का नियम है? एक भी सांसद ने खड़े होकर के, एक विधायक ने ये कहा, किसी भी पार्टी के ने बात तो बहुत लंबी लंबी ठोकते हैं, किसी पार्टी के ने कहा हम पेंशन नहीं लेंगे? वही तो कह रही है सरकार की एक चीज लेकर आई है, अनेक चीजें गिना रहे हैं अभी। अरे गिनाएंगे क्या, और अलग अलग से आएंगे आंदोलन करने के लिए, अब भी हमने देख लिया एक आंदोलन के लिए यहाँ पर आए हैं, अब दोबारा से जाए कि भाई ये मन गया अब दोबारा चलो दोबारा आएंगे, अब तो ये जमगा अखाड़ा, और अखाड़ा जमने पे सारी चीज का जवाब लेके जाएंगे इनसे। 7 साल में पूरा देश बेच दिया। पश्चिम बंगाल कब जा रहे हो आप लोग? जाएंगे, उसका पूरा प्लान बना लिया है, ट्रैक्टरों से जाने की तैयारी है वहाँ पे। किसान ये कह रहे हैं जी आप यहाँ से चलो, हम ट्रैक्टरों की रैली लेकर जाएंगे वहाँ पे। तेल तो महंगा हो गया,
महंगा क्या क्या चीज नहीं हुआ भाई? तेल ही महंगा हुआ है भाई, तेल ही महंगा हुआ है। कोरोना समय में आपने देख लिया, देश के किसान का अन्न महंगा नहीं हुआ था, और पूंजीपति के पास में जो भी चीज थी वो अगर बीड़ी भी थी तो बीड़ी का मंडल भी 50 से 60 रुपए बिका था। इनको पता है इस बात की कि इस रोटी को तिजोरी में अगर हम बंद कर लेंगे तो अगर कभी भी जरूरत पड़ेगी तो भूख के हिसाब से उसका रेट बढ़ाएंगे। पवन जी एक आखिरी सवाल है आपसे, आपने ट्रैक्टर रैली भी निकाल ली, खा पंचायतें महापंचायतें भी चल रही है, चक्का जाम भी कर लिया, रेल भी बंद कर लिया, सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ा, अब आगे की रणनीति क्या है आप लोगों की? आप बताओ कि सरकार पे फर्क नहीं पड़ रहा है? फर्क पड़ता तो वापस कर लेती कानून। कर लेगी आराम से कर लेगी, उसे भी एक जल्दी क्यों करें? अरे आराम से कर लेगी, जल्दबाजी क्यों करेगी, और धीरे धीरे करेगी ना सारे काम। अरे भाई अगर किसी से अजत तुम्हें एक तरीका की, अरे भाई रुको, तुम्हें एक तरीका की पता है कि जब किसी से कोई लेके खा ले तो उसे धीरे धीरे ही तो पचाए ना वो। अगर किसी से इन्होंने सहमति कर ली है कि हम ऐसे आपको बिल बनाएंगे तो उनको बिलों को वापस लेने की एक प्रक्रिया तो होगी ना इनके पास में। कानून बाद में आएंगे और भंडारण पहले बना दिए जाएंगे, स्टॉक पहले बना दिए जाएंगे। किसके स्टॉक है वो? ऐसे होता है क्या देश में? उससे तो आपको सहूलियत मिलेगी ना। काहे की सहूलियत मिलेगी? हम अगर स्टोरेज आएंगे आप अपनी फसल को रखी, और आपको क्या मिलेगी उसमें? महंगाई मिल जाएगी रोटी। अगर मैंने अपने घर में 20 क्विंटल गेहूं लिया और मैं अपने एक साल का 10 क्विंटल रख लूं, चलो मैं तो अपने खाने की व्यवस्था कर दूंगा, आपका क्या होगा? आप बताइए इसमें तारे जो तार लग रहे हैं ना, इसमें बंदर नहीं जा सकता अंदर, ये हालात हो जाएंगे। सर स्टोरेज में तो वो अभी भी रख रहे हैं ना। कौन रख रहा है? FCI से 2007 से कॉन्ट्रैक्ट। देश के किसान के पास अगर फसल है, देश के किसान के पास अगर अन्न है तो हर मजदूर को मिल सकता है, हर गरीब को मिल सकता है, इस जानवर और पशु और पक्षी को मिल सकता है। व्यापारी कभी भी किसी चीज को फ्री में नहीं देता, व्यापारी तो हर चीज पर व्यापार करता है। ये फसल पर व्यापार करना चाहते हैं, हम इसे नहीं होने देंगे, हरगिज नहीं।